आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सीएनसी मशीन हमारी उसमें की कुछ है जो आप लॉक कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में आपको बता सकता हूँ। या एड्रेसिंग या सिंबल्स आप चेंज कर सकते हैं, तो वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो चलते हैं हम सीधे डिस्प्ले पे। देखो आप देख पा रहे हैं कि श्याम पीएलसी प्रोग्राम दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे डिस्प्ले पे, किस तरह से आपको बनाना है, क्या क्या करना है आपको, वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि डिस्प्ले पे आप कैसे जाएंगे, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे लॉक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप सिस्टम की पे जाइए, ये हमारे डिस्प्ले है, इसको किस प्रकार से आपको वहाँ पैरामीटर लॉक करना चाहते हैं या सिस्टम की लॉक करना चाहते हैं, इनके बारे में मैंने पर्टिकुलर पहले बताया था दोस्तों। या आपको लेडर में एड्रेस और सिंबल चेंज करना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ मैंने बताया था। आज मैं आपको वो थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप भी आसानी से सभी चीज़ कर सकते हैं। तो वो देखिए, ये सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये डिस्प्ले पे आएगा, ये हमारी सीएनसी मशीन है, ओ आई मेट टी डी है, ये मैं आपको बता देता हूँ ओ आई मेट टी डी, ये फानुक सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले की पे आप चले जाएंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार के इंटरफेस होगा आपके सामने, ये डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। यदि ये डिस्प्ले ओपन नहीं हो तो आपको ये डिस्प्ले आपको एरो की हमारी यहाँ पे मिल जाएगा आपको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, वहाँ पे आपको अप डाउन या आगे पीछे इसको कर लेना दोस्तों। तो वहाँ से आपको ये डिस्प्ले हमारी पीएमसी पीएलसी ये सीएनसी ये में आ जाएगी आपको, ये सभी आपके सामने ओपन हो जाएगी दोस्तों। इसको ओपन करने के बाद में आपको देखो यहाँ पे जाना है पीएमसीसी एनएफ्स, इस डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है। ये बात विशेषकर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें इस डिस्प्ले पे ये हमें लेटर की या स्टेटस की में वो सभी आपको नहीं देखना, ये आपको तीसरा नंबर पे जाना है। इसकी पे नीचे यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, उसको आपको प्रेस करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। सेटिंग के ऑप्शन यदि आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो इस साइड में आपको एरो की है यहाँ पे, उसको दबाइए, एक दो बार आप दबाएंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। और सेटिंग के ऑप्शन के बाद में आपको यहाँ ये ऑपरेट है या तो इसको दबाएंगे तो फिर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है वही मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आप चाहते हैं कि दोस्तों ये पैरामीटर भी इनेबल ना हो, इसको भी आप लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर है। या फिर आपको लेडर की आपको सिंबल्स या एड्रेस देखना है, उसको चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हैं, ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जहाँ सेटिंग सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ अप डाउन करना पड़ेगा दोस्तों, ये सभी एरो की से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये पैरामीटर आपको क्योंकि ये इनेबल करते हैं जब हम हमारा लेडर होता है उसमें एडिटिंग कर पाते हैं, नहीं तो आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे लेडर में। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर बताया कि लेडर में एडिटिंग कैसे करते हैं, अलार्म कैसे सेट करते हैं, टाइमर के बारे में बताया मैंने, और बहुत सी वीडियोस बनाई थी दोस्तों पैरामीटर के बारे में, एम कोड के बारे में, और वैसे पीएलसी के बारे में मैंने बताया है, सीएनसी के बारे में और एचएमआई के बारे में बताया दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे और आप प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएगी, आरएलसी पीएलसी सीएनसी सभी मिलेगा। और फानुक के अलावा दोस्तों सीमेंस कंट्रोल के बारे में भी कुछ वीडियोज हैं, वो भी देख सकते हैं किस प्रकार से होम करते हैं इसको, वो सभी मैंने बताया है। वो सीक्वेंस वाइज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। आरएलसी के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, वो देख सकते हैं, या पीएलसी के बारे में, एचएमआई के, जीओटी के बारे में, ओफेस के बारे में, वो सभी आप डेल्टा के पीएलसी के बारे में मैंने बताया था, ओमरोम में भी बताया था, निक्सीवीसी पीएलसी में भी, वो देख सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है जो हमारे पीछे वाले डिस्प्ले में आपको बता देता हूँ, ये डिस्प्ले आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद में आपको विंडो ओपन करना है। देखिए ये हमारी फाइनल विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों, ये देखिए ये आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। आप देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एडिट इनेबल रखना है, यस या नो करना है आपको, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एडिट हम करते हैं तो उसको अगर नो कर देंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ये यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं उनको, क्योंकि ये चीज बहुत ही कम को पता होता है या किसी को ज़्यादा पुराना बंदा होता है उसको पता होता है, लेकिन नए बंदे उसको बहुत ही कम पता होता है, क्योंकि अंदर होती है चीज़
पीएलसी हमारे सीएनसी की मशीन के अंदर होता है, वो आपको ध्यान रखना है या राइट टू फ्रॉम एडिट, ये आपको यस करना है या नो करना है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं सभी चीजें। ये डाटा मिल स्क्रीन है, ये हाइड ऑफ पीएमसी है दे रखा है, ये प्रोडक्ट पीएमसी पैरामीटर है, ये सभी आप यहाँ पे लोग अनलोग कर सकते हैं दोस्तों। तो या फिर आपको एड्रेसिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक ऑप्शन और आता है यहाँ से सिम्बल्स आपको मिल जाएगा दोस्तों और एड्रेस, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको ये पता चल जाएगा पीएमसी हमारी या रन मोड में है या स्टॉप मोड में है। अभी देखो फिलहाल ये रन मोड में है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सभी आपके ऊपर है दोस्तों, तो यहाँ से बहुत कुछ आप कर सकते हैं, यहाँ से करके आप लो के कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बातों का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से आप लो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपकी नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।